not a game, it's a rich thing. तो हेलो गाइस, आपने जो स्क्रीन पर डबल रोल वाली वीडियो देखा, ऐसा आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाइस, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको ये वीडियो स्टैंड पर रिकॉर्ड करना होगा और थोड़ा सा भी हिले ना और लाइट थोड़ा सा भी अप डाउन ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो वीडियो ख़राब हो जा सकता है। उसके बाद गाइस, आपको वीडियो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेना है। फिर गाइस, आपको दूसरी वीडियो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेना है, आपको कुछ मूवमेंट करना होगा, ओके, जैसा कि लगे हाँ वो दूसरा आदमी है। फिर गाइस, आपको वीडियो एडिट करने के लिए एक वीडियो एडिटर चाहिए, तो आप काइनमास्टर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो गाइस चलिए, हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, हम इसमें अपना काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं। हमको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। हमको 16:9 रेशियो में हमने रिकॉर्ड किया है, तो 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना होगा, जो कि पहले से सिलेक्ट है। अभी हमको वो वाला वीडियो इंपोर्ट करना होगा जो हमने रिकॉर्ड किया है। तो अभी गाइस, हम इसको एज ए लेयर क्रिएट कर लेते हैं। और हमको ऐसा सेट कर लेना है। अभी हमको गाइस कट लगाना होगा जो हमको चाहिए। ये गाइस, पहली वाली वीडियो एक कट कर लिया मैंने। अभी हमको ऐसे ही दूसरी वाली वीडियो को भी कट कर लेना है। ये दूसरी वाली वीडियो भी मैंने कट कर लिया। अब इसको हमको एक टाइमलाइन में लाना है, हमको एक साथ करना होगा, जैसे कि ये है। तो मैं इसको खींच कर इधर शुरुआती में कर देता हूँ। अभी गाइस, हमको पहले वाली वीडियो पे क्लिक करना है और इसको स्प्लिट स्क्रीन करना है पे क्लिक करके। इसके बाद ये वाली जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद दूसरी वाली वीडियो पर क्लिक करना है, लेयर वाली वीडियो पर। फिर इस स्प्लिट स्क्रीन वाले टूल पर जाना है और इस वाले पर क्लिक कर देना है, ओके। अभी हमको बैक आ जाना है। अभी गाइस, हम इसे कट कर लेते हैं यहीं पर। ये मेरी वीडियो बनकर तैयार हो गई है गाइस, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। गाइज, अगर आपकी वीडियो में ये जैसे कि ये मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा हाथ थोड़ा सा
और इधर आ गया है तो हम उस वाली वीडियो पे क्लिक करके इसे आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। तो हमको जहाँ पे ज़रूरत जितना पड़े कि हमको इधर तक लाना है, इधर तक कट करना है, तो हमको इधर भी कर सकते हैं क्लिक करके। ऐसे ही हम इस वाले भी लेयर को कर सकते हैं आगे पीछे। ओके, दोनों को चाहे जो एक भी करोगे तो उधर पीछे होता जाएगा, कट होता जाएगा, उसके ऊपर लेयर चढ़ता जाएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।